We are really honored to have with us Dr. Abhay Shukla, who will share his thoughts on the present healthcare crisis which is gripping our country. Dr. Shukla is a public health physician who has been working on health issues in collaboration with people's movements and grassroots NGOs in India since over two decades. He is a national co-convener of the Jan Swasth Abhiyan, or what is the People's Health Movement of India. He is also senior program coordinator with Saathi, support for advocacy and training to health initiatives. Welcome, Abhayji. But before I hand over the mic to you, I would once again request the audience to please mute themselves and turn off their videos as the speaker presents. Audience can type in your comments and questions in the chat box, and we will take them up at the end of the presentation. Over to you, Abhayji. बस मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि इसमें अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, तो थोड़ा बहुत हिंदी में भी बोलते रहिएगा। अच्छा, ठीक है। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं स्लाइड्स तो मेरे इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं मोस्टली जो बात है वो हिंदी में करूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मेरा एक प्रेजेंटेशन है, मैं उसको अभी डिस्प्ले कर देता हूँ। ये दिखाई पड़ रहा है क्या? जी हाँ, बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। पहला प्रेजेंटेशन। जी। तो कोविड की पूरी जो परिस्थिति आज हिंदुस्तान में खासतौर से सेकेंड वेव के दौरान दिखाई पड़ रही है, इसको मैंने कोविड कैटेस्ट्रोफी कहा है, और भी बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। और इसमें ये ऐसा नहीं कि ये कुछ एक प्राकृतिक आपदा है, जैसे भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाती है, जिसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता था। इसके बारे में बहुत कुछ किया जा सकता था जो नहीं किया गया, और कुछ चीजें ऐसे की गई जो नहीं की जानी चाहिए थी, और जिनकी वजह से आज हम ये सेकेंड वेव का जो भयंकर परिणाम है वो झेल रहे हैं पूरे देश भर में। आप लोग उत्तर प्रदेश में और भारत के और भी प्रदेशों से होंगे, तो इसमें क्या करना चाहिए था जो नहीं किया गया, और आज जनसंगठनों को, जनता के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़े से सुझाव मैं रखूंगा। तो ये मोदी जी रैली एड्रेस कर रहे हैं, उनके पीछे कोविड का वायरस खड़ा हुआ, दोनों बहुत खुश हैं कि ऐसी रैलियां अगर होती रही तो उनको लगता है कि वो फलते फूलते रहेंगे। ऑफकोर्स बंगाल के चुनाव ने हमको बताया कि स्थिति मोदी जी के लिए तो शायद इतनी अच्छी नहीं है रैलियों के बाद भी, लेकिन कोविड के वायरस के लिए जरूर उसका काफी फायदा हुआ। और ये जो कैटेस्ट्रफी है, ये जो महाआपदा है, ये पिछले 100 साल के इतिहास में इतनी बड़ी कोई महामारी हिंदुस्तान में नहीं हुई, एक्चुअली दुनिया के इतिहास में नहीं हुई। इट इज अ कैटेस्ट्रफी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डाइमेंशंस। और शमशान घाट अब आजकल दिन रात वहां चिताएं जल रही हैं, आप जैसा जानते होंगे। मेरे ख्याल से दिल्ली में तो बहुत ही बुरी स्थिति है, शायद लखनऊ में भी परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। और सेकेंड वेव जो है वो फर्स्ट वेव से कहीं ज्यादा है, और ये अपने आप में, इसलिए मैं इसको मिस गवर्नेंस बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें की गई जिसकी वजह से परिस्थिति तय है। ये आंकड़ा शायद आप लोग इसको समझ पाएंगे, ये आज का डेथ काउंट है कोविड से, और ये ग्रॉस अंडर रिपोर्टिंग है, 2,18,000, करीब करीब 2,19,000। आप सोचिए हर जो ये मौत हुई है वो किसी परिवार का कोई व्यक्ति था, उसके पीछे कितना बड़ा एक त्रासदी है। 2 लाख से ऊपर लोग ऑलरेडी सिर्फ ऑफिशियल काउंट के हिसाब से इसमें हमारे बीच से जा चुके हैं, तो कितना भयंकर इसका परिणाम है इस पूरे कोविड का। तो हम थोड़ा सा पीछे जाए, जो कोविड का जो पहला वेव था उस समय से क्या हुआ पिछले साल 1.25 साल। तो 30 जनवरी को पिछले साल WHO ने कोविड को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताया। उसी समय हिंदुस्तान में सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स या तो बंद करने चाहिए थे, या जो लोग आ रहे थे बाहर से उनका इंटेंसिव स्क्रीनिंग होना चाहिए था, और उनका आइसोलेशन किया जाना चाहिए था,
और उनके जितने भी कॉन्टेक्ट थे उनको अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाना चाहिए था और क्वारंटाइन किया जाना चाहिए था। केरला गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि पहला केस हिंदुस्तान में केरला में हुआ और केरला गवर्नमेंट ने इसको काफी हद तक किया जिसकी वजह से इनिशियल पीरियड में उन्होंने इन्फेक्शन को कंटेन किया। यदि भी बाद में केरला में भी केसेज हुए लेकिन तब भी वो रिलेटिवली कम। जनवरी फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, केंद्र सरकार क्या कर रही थी, एक तो सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एकदम खुले थे, मार्च के तीसरे हफ्ते तक बाहर से लोग आ रहे थे, उनका कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा था, उनका कुछ ट्रेसिंग नहीं हो रहा था, ट्रैकिंग नहीं हो रहा था और पूरे देश भर में 11 लाख लोग जो बाहर से आए वो पूरे देश में फैले। और जैसा कहा जा रहा है कि पासपोर्ट वाले लोग जो थे वो इस बीमारी को लाए और रेशन कार्ड वाले लोगों को इसको फैलाए। इस समय हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो बहुत व्यस्त थे कोविड में नहीं तो वो उनके जो राजनीतिक दोस्त थे डोनाल्ड ट्रंप, इनको इनके लिए अहमदाबाद में बहुत बड़ी रैली, 1 लाख से ऊपर लोगों की रैली 24 फरवरी को हुई जिस समय पूरे देश में ऑलरेडी कोविड का एक खतरा पहचाना जा चुका था, लेकिन इसकी कोई भी चिंता न करते हुए रैली की गई और ये भी एक सुपर स्प्रेडर इवेंट था जहां से शुरुआत हुई। इसके बाद WHO ने बोला कि ये कोविड जो है ग्लोबल पैंडेमिक है, इट्स अ ग्लोबल इमरजेंसी 11 मार्च को, लेकिन 13 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नहीं ये कोई खास बात नहीं है, ऐसी कुछ इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि वो असल में कुछ दूसरे काम में व्यस्त है। हमारे प्रधानमंत्री तो काफी व्यस्त रहते हैं, वो किस काम में व्यस्त है, कोविड में नहीं, तो वो मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में उनकी पूरी पार्टी और उनके बहुत सारे नेता लगे हुए थे। 20 मार्च तक वो इसमें मशगूल थे ऐसा कहना चाहिए, जिस पीरियड में असल में कोविड को रोकने का बहुत सारा काम हो सकता है। 20 मार्च के बाद उनको फुर्सत मिली, उसके बाद अचानक 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 24 मार्च को सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पे पूरे देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इसको मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेसेंसी ऑल्टरनेटिंग विद ड्रैकोनियन मेजर्स, यानी कि या तो कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है और जब भी समझ में आया कि अरे ये तो बहुत बीमारी बढ़ चुकी है, बहुत सारे हमसे गलतियां हुई जिसकी वजह से ये हो गया, तो अब इसका किसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सामान्य जनता को लॉकडाउन लगाने, और जो कि बहुत ही पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से भी न केवल अन्यायपूर्ण था लेकिन वो इफेक्टिव भी नहीं था या वो लॉजिकल भी नहीं था, क्योंकि उस समय तक देश के बहुत सारे जिलों में और शहरों में एक्चुअली कोविड के केसेस नहीं थे, तो जहां पे कोविड के केसेस थे वहां रिस्ट्रिक्शंस लगाना योग्य हो सकता था, लेकिन ये तो मतलब लगा दिया पूरे देश पर। इसका क्या परिणाम हुआ ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। और उस समय भी उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है महाभारत 18 दिन की थी तो ये 21 दिन में सब हो जाएगा, नहीं पड़ जाएगा, ये उनका एटीट्यूड था। उस समय पे आज जो हम देख रहे हैं, जो हाल देख रहे हैं कि अस्पताल से अस्पताल भटक रहे हैं मरीज और उनके रिश्तेदार, उनके साथ के लोग, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ये इसका कारण क्या है? पहले वेव में एक्चुअली स्पष्ट हो गया था कोविड से निपटने के लिए कहीं ज्यादा पब्लिक हॉस्पिटल बेड्स लगेंगे, जो लॉकडाउन के समय जो भी थोड़ा समय मिला, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली, उस समय पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को बड़े स्तर पर विस्तार करना ये सरकार की पहली जिम्मेदारी, लेकिन अधिकतर राज्यों में ये नहीं किया गया। सिर्फ जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे उनके बेड्स जो थे उनको कोविड बेड में बदल दिया गया, ओवरऑल एक्सपेंशन नहीं हुआ। और आपको शायद पता होगा कि हिंदुस्तान में WHO का नॉर्म है कि 1000 जनसंख्या पे एक हॉस्पिटल बेड होना चाहिए, हमारे देश में 11000 जनसंख्या पे एक डॉक्टर होना चाहिए। 1000 जो जनसंख्या पे जहाँ एक डॉक्टर होना चाहिए वहाँ हमारे देश में 11000 जनसंख्या पे एक सरकारी डॉक्टर, तो मतलब 11 गुना कम डॉक्टर सरकारी सेक्टर में। और 1000 जनसंख्या पे जहाँ 3 बेड्स होने चाहिए वहाँ हमारे देश में सिर्फ आधा सरकारी बेड 1000 जनसंख्या पे है, तो हम 6 गुना पीछे हैं। और इस स्थिति में बड़े स्तर पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम का विस्तार करना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी केंद्र सरकार की, और उसके साथ राज्य सरकारों को भी इसके लिए मदद करनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया। और इसके पीछे और भी पार्श्वभूमि यह है कि हम देश में सबसे आगे हैं इस मामले में हम इस मामले में सबसे आगे हैं कि कौन सबसे कम खर्चा दिखा करके दिखा सकता है स्वास्थ्य के लिए। तो
तो इस रेस में इंडिया जो है वो सबसे आगे है, या कहना चाहिए एक्चुअली सबसे पीछे है। ये बड़े शर्म की बात है कि दुनिया भर के तमाम देश कितना खर्च करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर। तो आप देखिए कि मेक्सिको, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड ये 200 से 250 डॉलर हर साल खर्च करते हैं। हमारे पड़ोस के देश भूटान, श्रीलंका ये करीब 70 डॉलर खर्च करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया का एवरेज 120 है, जिसके हमें कहीं आसपास रहना चाहिए था कम से कम। अफ्रीका का एवरेज 60 डॉलर है, भारत हिंदुस्तान का सिर्फ 19 डॉलर। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये शर्मनाक परिस्थिति है थी जिसके कॉन्टेक्स्ट में कोविड एपिडेमिक फैलना शुरू हुआ। इसको एक्चुअली इस खर्चे को बढ़ाना ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, लेकिन उसमें क्या किया हम आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगा कि कोविड तो एक बीमारी है, वो फैल रही है, वो तो एक बात है, इससे कितने लोग मरते हैं। अगर 100 लोग बीमार पड़े तो उसमें से कितनों की मौत होती है। यहाँ मैंने जो दो स्टेट जहाँ सबसे ज्यादा कोविड केसेस हुए हैं, जो बड़े राज्य हैं, उनका उदाहरण दिया है। केरला में जो फिटेलिटी रेट है वो 1/3% से भी कम है, यानी कि 100 मरीजों में से भी सिर्फ 1/3 ऐसा परसेंटेज है जो मरीज जिनकी फिटेलिटी होगी, यानी कि अगर 300 केसेस होंगे तो शायद 1 फिटेलिटी। महाराष्ट्र में ये प्रमाण उससे करीब करीब 4-5 गुना ज्यादा है। इतना बड़ा फर्क क्यों है? बाकी तो वैसे महाराष्ट्र तो एक्चुअली केरल से ज्यादा उत्पन्न वाला राज्य है। इसका ये राज बहुत कठिन नहीं है समझना। अगर हम ये देखें कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स की हालत क्या है इन दोनों राज्यों में, 1 करोड़ लोगों के पीछे कितने डॉक्टर्स हैं सरकारी, महाराष्ट्र में 600 हैं, केरला में 1500, 2.5 गुना का फर्क है सरकारी डॉक्टर्स। और ये जो महाराष्ट्र का 600 है ना, यही हालत लगभग यूपी, बिहार और कई सारे उत्तर राज्यों की भी है, गुजरात की भी है, कि 1 करोड़ के पीछे या 1 लाख के पीछे अगर कहा जाए तो 6 से 8 इससे ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए। केरला में 15 डॉक्टर्स है आबादी के पीछे। और पब्लिक हेल्थ जो स्पेंडिंग है वो भी केरला में महाराष्ट्र के मुकाबले 1.5 गुने से भी ज्यादा है। तो ये इसके पीछे का मुख्य मुद्दा है कि जब आप स्वास्थ्य पे खर्चा ही नहीं करेंगे, जब आप स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर्स और कर्मचारी ही नहीं रखेंगे, तो फिर कोविड से मौतें बढ़ेंगी। ये लगभग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अनिवार्य है, और इसलिए इनको बढ़ाना, इन सब चीज़ों को, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, ये नितांत जरूरी था जो नहीं किया। बजट में क्या हुआ इस साल? बजट में आपने उस समय देखा होगा न्यूज़पेपर्स में जो सुर्खियाँ थी कि इस साल बजट जो है तो स्वास्थ्य का बजट बहुत बड़ा, 137% से बड़ा। असल में ये पूरा झूठ था, मैं माफ कीजिएगा ये शब्द थोड़ा आपको ज्यादा कड़ा लगेगा, लेकिन 2021-22 का इस साल का जो स्वास्थ्य का बजट था उसमें पहली बार क्या किया गया कि हेल्थ एंड वेलबींग करके एक नया एक हेडिंग बना दिया गया, और जो पीने के पानी का निजीकरण करने के लिए निजी कंपनियों को देने के लिए जो बजट था पानी के ऊपर, उसको हेल्थ के साथ मिला दिया गया, और फिर बोल दिया कि हेल्थ बजट 137% बढ़ गया। एक्चुअली इस साल का हेल्थ बजट पिछले साल के जो एक्चुअल बजट था, रिवाइज एस्टिमेट था, उससे कम हुआ है 11% से, लेकिन उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया गया जैसे कि हेल्थ बजट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया। हेल्थ रिसर्च का बजट इतने ऐसी परिस्थिति में जबकि सर्वेलेंस पब्लिक हेल्थ रिसर्च की कहीं ज्यादा जरूरत थी, वो ऑलमोस्ट आधे से काट दिया गया इस साल। और ओवरऑल भी ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो बजट था 12% से काटा गया। एक ही बढ़ोतरी हुई जो कि 35,000 करोड़ रुपए कोविड वैक्सीन के लिए रखे गए थे, लेकिन उसका क्या हुआ इसको भी हम आगे देखेंगे। वो पैसा सिर्फ नाम के लिए ही बताया गया कि रखा गया बजट में, वास्तव में वो कोई खास बढ़ोतरी उसका खर्चा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा एक जिसको हम कह सकते हैं लोगों को एक बेवकूफ बनाने का काम भी किया गया, और एक्चुअली जब मौका था इस साल हेल्थ बजट बढ़ाने का वो नहीं बढ़ाया। और इसी परिस्थिति में आपको पता है देश भर में निजी अस्पतालों में क्या चल रहा है। हमारे देश में 80% डॉक्टर्स, 90% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही प्राइवेट सेक्टर, लेकिन इनके ऊपर केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में कानून होने के बावजूद भी उस कानून को लागू ही नहीं किया। 2010 में बनाया हुआ कानून है, 2000
21 तक वो लागू ही नहीं हुआ है, और इसी पीरियड में प्राइवेट अस्पताल ने क्या क्या किया सब आप जानते हैं, खासतौर से बड़े और कॉर्पोरेट अस्पतालों में। इस परिस्थिति में एक्चुअली केंद्र सरकार को क्लियर गाइडलाइंस निकालने चाहिए थी प्राइवेट अस्पतालों को कैसे नियंत्रित किया जाए, उनकी जो रेट्स हैं, उनकी जो बाकी ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस हैं। केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया, कुछ राज्य सरकारों ने देर सवेर इस बारे में कदम उठाए, क्योंकि लोगों के बीच में इसको लेकर बहुत ज्यादा असंतोष हुआ। मैं इसका उदाहरण सिर्फ महाराष्ट्र से आपको दूंगा कि हमने इस साल फरवरी में एक राज्य स्तर पर जनसुनवाई की प्राइवेट अस्पतालों के बारे में, जो कि हमने हाइब्रिड तरीके से किया, क्योंकि कोविड की परिस्थिति में बड़ा इवेंट करना संभव नहीं था, तब भी 130 लोग उसमें शामिल हुए, और राज्य भर से 30 तो हमारे टेस्टिमनीज हमने डॉक्यूमेंट किए हैं, और 100 से ऊपर और भी मरीजों की शिकायतें आई कि प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह की लूट चल रही है, किस तरह का ओवरचार्जिंग चल रहा है, जो फ्री केयर मिलना चाहिए था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसका इतना वोट बजाया गया वो पूरी तरह से फेल रहा कोविड एपिडेमिक की परिस्थिति में, और तमाम भी और प्रकार के मरीजों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। यानी कि कहने का मतलब कि प्राइवेट अस्पतालों को नियंत्रित करने की जो जिम्मेदारी थी, खासतौर से केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ काम करना चाहिए था, केंद्र सरकार ने नहीं किया। और अब हम आते हैं सेकेंड वेव की तरफ। पूरे दुनिया भर का अनुभव था कि पहला वेव जिन देशों में बड़े स्तर पे आया वहां सेकेंड वेव भी आने की संभावना। यूएस में सेकेंड वेव आया, यूरोप के कई देशों में सेकेंड वेव आया, यद्यपि वो छोटा था फर्स्ट वेव से, लेकिन ये स्पष्ट था कि सेकेंड वेव आ सकता था। कई सारे ऐसे देश भी हैं, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान जैसे, जहां पे कि उन्होंने सेकेंड वेव को पूरी तरीके से अवॉइड किया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वेव से ही सीख ली थी और पब्लिक हेल्थ पूरे मेजर्स अच्छे तरीके से लगाए थे। साउथ कोरिया में बिना लॉकडाउन के उन्होंने कोविड को कंट्रोल किया, लेकिन बहुत अच्छे स्तर से उन्होंने कंटेनमेंट किया गया, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और कंटेनमेंट। लेकिन हमारी सरकार तो जब जनवरी फरवरी ये जो महीने थे जबकि सेकेंड वेव का की संभावना बढ़ रही थी, जहाँ जब हमारे केंद्र सरकार को मॉडल जो मॉडल्स अवेलेबल थे उनको सिर्फ देखने की जरूरत थी, और टेस्टिंग ट्रेसिंग को अगर उस समय स्टेपअप किया जाता तो सेकेंड वेव अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होता और काफी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता। और ऑफकोर्स उस पीरियड में तो किसी भी बड़े समारंभ को करने का कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत व्यस्त थे। एक तो बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, जहाँ ऊपर वाला जो फोटो है वो बंगाल के चुनाव में मीटिंग चल रही है, आप देखिए उसमें आपको अगर कोई भी सज्जन मास्क के साथ दिखाई पड़े तो उसमें ये तो लाखों लोग जो है अपने प्रधानमंत्री जी की रैलियों में रहे, और 8 चरण में वो चुनाव भी हुआ, ये भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी कि क्यों 8 चरण में बंगाल का चुनाव हुआ। खैर ये तो एक चीज रही। दूसरा है कि कुंभ मेला, जो कि आप जानते होंगे, कुंभ मेला को 1 साल से प्रीपोन किया गया, यानी कि 2010 में आखिरी कुंभ मेला हुआ था हरिद्वार में, अगला कुंभ मेला 2022 में ड्यू था। तो कुछ ज्योतिषियों के कहने से और कुछ अपने राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार की उसमें जरूर उनका ये रहा होगा, सहमति रही होगी, उन्होंने कुंभ मेला को कोविड के दौरान करने का पूरा आयोजन कर दिया, जो कि बहुत बड़ा एक पब्लिक हेल्थ एक मैं तो कहूंगा एक क्राइम है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे सिर्फ शाही स्नान के दिनों के दौरान 30-30 लाख लोग जहां इकट्ठा होंगे वहां क्या होगा, वहां से कोविड को फैलने के और भी मौके मिले। तो ये सेकेंड वेव को रोका जा सकता था या बहुत मिनिमाइज किया जा सकता था, जैसे और कई देशों के अपने देश में भी अगर आप देखेंगे तो इसके उदाहरण हमको दिखाई पड़ते हैं कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे सेकेंड वेव को रोका जाए, इनफैक्ट उसका उल्टा किया। चुनावी रैलियां और कुंभ मेला को तो पूरी तरीके से प्रोत्साहन देते हुए उन्होंने सेकेंड वेव को आग में घी डालने का काम किया। वैक्सीनेशन का क्या हुआ? वैक्सीनेशन सरकार बार बार उसी का अपना एक झुंझुना बजाती रहती कि हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। एक्चुअली वैक्सीनेशन के बारे में भी सरकार का रवैया बहुत ही ढिलाई का रहा और बेजवाब, जिसको हम गैर जिम्मेदाराना बोल सकते हैं। अगर 1 जनवरी से एक्चुअली सीरम इंस्टीट्यूट के पास 5 करोड़ डोजेस उपलब्ध थे,
और उन्होंने बोला था कि अगर सरकार हमको ऑर्डर्स दे और एडवांसेस दे तो हम और भी बना सकते हैं, लेकिन सरकार ने शुरू में तो ऑर्डर ही नहीं दिए। जब ऑर्डर दिया भी 11 जनवरी को तो सिर्फ 1.25 करोड़ का ऑर्डर दिया डोजेस का, जो कि उपलब्धता से कहीं कम था, जिसकी कीमत सिर्फ 180 करोड़ थी, जबकि बजट में 35,000 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन के लिए रखे गए थे। यह हमें सवाल पूछना चाहिए कि 35,000 करोड़ आपने बजट में दिखाया, लेकिन जब वैक्सीन खरीदने का बाकी बात आई तो देर से खरीदा और उसमें भी सिर्फ 180 करोड़ क्यों खरीदा, अगर आपको पता था कि लोगों को वैक्सीन की जरूरत पड़ने वाली है। आज जिस स्तर पे वैक्सीनेशन हो रहा है, अगर ये 1 फरवरी से शुरू होता तो 1 मई तक पूरा जो वल्नरेबल जो आबादी है हमारे देश में, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इनको अन्य बीमारियां हैं, इनको सांस की बीमारियां हैं, ये सारे लोग अभी तक प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। इनमें से बहुत सारे हजारों मौतों के लिए ये सरकार जिम्मेदार है, ऐसा मुझे कहना पड़ेगा। और वैक्सीन की कीमत ये अपने आप में भी एक रहस्य का मामला है कि जो वैक्सीन तो वही है, केंद्र सरकार को 150 रुपये में मिलेगी, राज्य सरकारों को 400 से 600 रुपये में मिलेगी। अभी थोड़ा कम किया है, लेकिन तब भी केंद्र सरकार की जो कीमत है उससे दूसरे कीमत में राज्य सरकार को मिलेगी। इसका क्या चक्कर है? अगर पब्लिक हेल्थ सिस्टम से ये वैक्सीन दिया जाना है तो सभी जगह गवर्नमेंट्स को एक ही कीमत पर मिलनी चाहिए, और एक्चुअली ये पूरे का पूरा वैक्सीन का खर्चा केंद्र सरकार को उठा के सारे राज्यों को जैसी उनकी जरूरत है और आबादी है उसके हिसाब से उपलब्ध करनी चाहिए। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर को भी अभी वैक्सीन देने की बात चल रही है, बल्कि निर्णय हो गया, उससे भी तमाम प्रकार की दिक्कतें आएंगी, ये आप जानते हैं। और वैक्सीन जो है ये अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। बिहार के चुनाव में ऐसा कहा गया कि अगर आप बीजेपी के आपकी सरकार लाएंगे तब आपको मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर बीजेपी की सरकार नहीं आए तो आपको मुफ्त वैक्सीन नहीं मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीन के जो अलग अलग कीमत है उसको लेकर के अभी हाल में काफी एक अपनी जताई है, चिंता जताई है। तो इसके बाद ऑक्सीजन का मुद्दा, ऑक्सीजन के बारे में पहले वेव में स्पष्ट हो गया था कि ऑक्सीजन की कहीं ज्यादा जरूरत है, और एक्चुअली केंद्र सरकार को उस समय वैक्सीन प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज तरीके से बढ़ाने का निर्णय लेना चाहिए था। उस समय तो जो है लॉकडाउन पे सारा अटेंशन था, उसके बाद फिर थोड़ा देर समय में कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स प्लान किए गए, 262 नए ऑक्सीजन प्लांट्स वो हॉस्पिटल्स में प्लान किए गए, लेकिन उसकी कुछ शुरुआत ही नहीं हुई अक्टूबर नवंबर तक, और उसकी वजह से अभी उस 262 में से सिर्फ 33 प्लांट्स ये एक्चुअली खड़े हो गए और सिर्फ 5 उसमें से काम कर। और दूसरी बात है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी जो है उपलब्ध हो सकता था यदि उसकी तैयारी की जाती, लेकिन वो नहीं किया गया। आपको दिखाई पड़ेगा कि केरल जो सरकार है उसने अपना ऑक्सीजन का मेडिकल ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाया पहले वेव के दौरान, इसलिए आज केरला जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। केरला तो छोड़ दीजिए, नंदुरबार करके बहुत छोटा और एक आदिवासी जिला है महाराष्ट्र का, नंदुरबार के कलेक्टर ने अपने जिले में ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाई फर्स्ट वेव के बाद। आज नंदुरबार में गुजरात और मध्य प्रदेश से लोग आके इलाज करा रहे हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है ये कोई ऐसा कुछ रेयर एलिमेंट नहीं है, ये आपके चारों तरफ है, आप जहां बैठे हुए आपके चारों तरफ जो हवा उसमें 21% ऑक्सीजन है। इसको पाना कोई इतनी कठिन बात नहीं है, इसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, उसकी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन हमारी जो केंद्र सरकार थी उसमें पूरी तरीके से विफल रही, जिसकी वजह से आज लोग ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट्स मर रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, तो दिल्ली में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है जो शायद हमारे केंद्र सरकार को ये पसंद नहीं है, तो उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक किया। इस प्रकार के भी काफी रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि हरियाणा से, जो हरियाणा में आपको पता है किसकी सरकार है, तो हरियाणा से दिल्ली जो ऑक्सीजन आ रहा था उसको जगह जगह रोका गया, और यहाँ तक भी अंदरूनी खबरें हैं कि फरीदाबाद और सोनीपत के कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स को ऑक्सीजन
प्रोडक्शन बंद करने के लिए कहा गया जो बीजेपी के मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से, और एक हफ्ते तक कुछ प्लांट्स का ऑक्सीजन प्रोडक्शन बंद रहा और जिसकी वजह से दिल्ली में हाहाकार मचा और दिल्ली सरकार के ऊपर उसका पूरा परिणाम हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कोई सरकार ऐसा कर सकती है क्या जब ऑक्सीजन का इतनी भयंकर जरूरत है, जब पेशेंट्स ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आपने ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं दिया या इवन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तक क्राइसिस के पीक के दौरान बंद किया, इसको क्या कहा जा सकता है। तो एक 1930 के 20वीं सदी में एक सज्जन थे, उनके राज्य के दौरान बहुत सारे लोग गैस से मारे गए, आपको पता है वो कौन है। और आज हमारे सभी में लोग गैस न मिलने से मारे, आप सोच लीजिए इसमें ये लगभग एक ही लाइन पे चलने वाले ये दोनों। इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए था और भी अब क्या अभी क्या किया जा सकता है तुरंत? लॉकडाउन अभी भी ये योग्य उपाय नहीं है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन ये महत्वपूर्ण है। कोविड टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। होम आइसोलेशन, आज फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में 85% पेशेंट्स एक्चुअली होम आइसोलेशन में। यदि होम आइसोलेशन सही ढंग से किया जाए तो बहुत हद तक हम इसको रोक सकते हैं इस एपिडेमिक को, लेकिन उसको लेके अधिकतर राज्यों में इतना बेहतर तरीके से लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचाई जा रही है। और इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन को भी बढ़ाया जा सकता है। और ये जो विक्टिम ब्लेमिंग है, जनता को दोष देना, ये जो अप्रोच है ना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और लोगों को जानकारी मिलेगी अगर पारदर्शकता होगी, डैशबोर्ड्स अगर हर शहर में, हर जिले में या कम से कम हर रीजन में होंगे, जिससे आप जाके देख सकें कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रकार के बेड उपलब्ध है। और सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो भी उसका अगर इस्तेमाल करके हर पेशेंट को जहाँ बेड है वहाँ भेजे, तो बहुत सारे जो अभी केओस चल रहा है वो कम हो सकता है। प्राइवेट अस्पतालों को भी अपनी सारी जानकारी प्रदर्शित करनी चाहिए कि यहाँ फ्री केयर है या इस फ्री केयर का जो है इतने बिस्तरों के ऊपर जो है रेट रेगुलेशन है। और एक हाई विजिबिलिटी कम्युनिकेशन कैंपेन करने की जरूरत है। इसमें प्राइवेट अस्पतालों में चलने वाली लूट, इसके बारे में भी लोगों को सतर्क किया जाए और सेफ वेब आइसोलेशन और जब आवश्यक हो तब हॉस्पिटलाइजेशन का केयर कैसे लोग प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी चीजों को लेके भी। और हमने ये भी कहा है कि कोरोना कोऑर्डिनेशन कमिटीज, महाराष्ट्र में हमने इसका प्रस्ताव दिया है कि हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर शहर में होने चाहिए, जहाँ सामाजिक संगठन, संस्थाएं और कार्यकर्ता ये सरकार के साथ एक डायलॉग करें और जो लोगों को सेवाएं नहीं मिल रही उसको लेकर के एक लगातार संवाद करें। सरकार का जो अप्रोच है इसको हम, मैंने बोला ड्रेकोनियन मैनेज्ड एनआरएम, यानी कि सरकार, केंद्र सरकार खासतौर से एक तरफ तो लोगों को दोष दे रही है कि आप जो है ना कोविड का बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन जो आपको करना चाहिए था खुद एक खुद उदाहरण देना चाहिए था। आप इलेक्शन रैली में जब बिना मास्क के जो है दसियों हजारों लोगों की रैली करेंगे तो लोगों को क्या मैसेज मिलेगा? आप जब जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होकर कुंभ मेला को जो है समर्थन करेंगे तो लोगों को क्या मैसेज मिलेगा? और तो लोगों को जो जिस प्रकार का कम्युनिकेशन जाना चाहिए था वो न करते हुए लोगों के साथ एक, जिस तरह से केरल में हुआ कि सरकार के साथ बड़े स्तर पे वॉलंटियर्स को जोड़ा गया, पंचायत प्रतिनिधियों को साथ में लिया गया, महिला जो गठ है उनको साथ में लिया गया, लोगों के बीच में एक मैसेज पहुंचाया गया जिससे कि लोगों ने अपना बिहेवियर चेंज किया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एनआरकी होगी, फिर लोग भी जो है जो कुछ उनको समझ में आएगा आधा अधूरा वैसे करेंगे या नहीं करेंगे। और जब ये एनआरकी ज्यादा बढ़ेगी फिर आप बोलेंगे लॉकडाउन लगे, यानी कि जो मैंने बोला कि एक कॉम्प्लेसेंसी, एक क्रिमिनल कॉम्प्लेसेंसी ऑल्टरनेटिंग विद ड्रेकोनियन मेजर्स, एंड फिर लोगों को ही पनिश किया जाएगा। इसका लॉजिक देखिए क्या, लॉजिक यह है कि लोग जिम्मेदार है और लोगों को ही सजा दे दो लॉकडाउन, जबकि एक्चुअली इसमें सरकार की जो केंद्रीय जिम्मेदारी वो उन्होंने उस हिसाब से काम नहीं किया, ये सबसे बड़ा कारण है आज हम जिस आपत्ति को झेल रहे हैं। कोविड बेड्स को एक्सपेंड करने की जरूरत थी तो ऑलरेडी बात आ चुकी है, आज भी एक्सपेंशन हो सकता है पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी का यदि रेगुलर बेसिस पे
स्वास्थ्य जो कर्मचारी है नर्सेज डॉक्टर्स इनको लगाया जाए, और इसके साथ साथ में बड़े स्तर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी टेक ओवर करना चाहिए राज्य सरकार, और अपने हाथ में लेकर के उनके माध्यम से ऑक्सीजन बेड्स आईसीयू बेड्स ये लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। हमारा ये मानना है कि हेल्थ केयर ये बाजारू वस्तु नहीं रहनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं का सामाजिकरण होना चाहिए, सोशलाइजेशन होना चाहिए, सोशल कंट्रोल में रहना चाहिए, बाजार से हटा करके इसको हर एक को एक अधिकार के तौर पे एक मुफ्त और अच्छे दर्जे की स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम का विस्तार करना और प्राइवेट अस्पतालों पे कंट्रोल करना, ये दोनों साथ में जरूरी। एक और चीज चल रही है रेमडेसिविर को लेकर के भगदड़ मची है। प्राइवेट अस्पताल का हर डॉक्टर बोल रहा है रेमडेसिविर लेके, फिर मरीज ढूंढ रहे हैं और ब्लैक मार्केट में जाके ढूंढने के लिए दाम में कोई कहीं को भी किसी को मिल रहा है किसी को नहीं भी मिल रहा है। एक्चुअली रेमडेसिविर के बारे में वैज्ञानिक जानकारी है कोविड में इसका मृत्यु कम करने में कोई भी रोल नहीं। I am repeating as a medical doctor, as a public health person, remdesivir has no role in reducing mortality in COVID. दुनिया भर के बड़े ट्रायल्स इंक्लूडिंग सॉलिडेरिटी ट्रायल्स में दिखा है सिर्फ इससे कुछ पेशेंट्स में जो मॉडरेटली या सीवियरली इल है पहले 10 दिनों के दौरान उनका हॉस्पिटल में रहने का जो पीरियड है वो 2 या 3 दिन से कम है, सिर्फ इतने ही इसका। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में तो आपको पता ही है हर पेशेंट को अगर आप रेमडेसिविर देखना शुरू कर देंगे और उसके बाद उसका शॉर्टेज हमारे देश में तो लोग जो है वो सब कालाबाजारी करने में काफी अनुभव है कुछ लोगों को, तो फिर भगदड़ बच जाएगी, फिर उसके बाद उसकी कीमतें और बढ़ जाएंगी और उससे कुछ लोग भयंकर मुनाफा कमाएंगे और कुछ पेशेंट जो है जिनको सही में रेमडेसिविर से कुछ फायदा हो सकता था उनको वो समय पर नहीं मिल पाएगा, और ये एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड डिमांड या इन्फ्लेटेड डिमांड है। इसी तरह की स्थिति टोसिलुज़ुमैब के बारे में भी है, इसी तरह की स्थिति कन्वेलेसेंट प्लाज्मा के बारे में भी है। कायदे से सरकार को ये सभी प्राइवेट अस्पतालों पे नियंत्रण इनके ट्रीटमेंट प्रैक्टिस पे करना चाहिए, इनका मेडिकल ऑडिट करना चाहिए और क्लियर गाइडलाइंस इशू करने चाहिए कि इन खास परिस्थितियों के अलावा आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे रेमडेसिविर का, ना लोगों को आप इसके लिए दौड़ाएंगे इधर उधर, और लोगों को भी ये बताना चाहिए कि ये जो है अनावश्यक रूप से आप रेमडेसिविर और जैसे दवाइयों के पीछे ना भागें, इससे सिर्फ आपकी पैसे बर्बाद होंगे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम का विस्तार होना चाहिए और एक नेशनल यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, केंद्र सरकार को अलग राज्य सरकार को अलग इसका कोई लॉजिक नहीं है। एक्सपेंडेड प्रोक्योरमेंट करना चाहिए, कंपलसरी लाइसेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ये पब्लिक गुड है और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। जिन्होंने 35,000 करोड़ अपने बजट में दिखाया तो उसको खर्चा करिए, अगर आप उसको खर्चा करेंगे तो आज सारे लोगों को वैक्सीन मिल सकता है, और राज्य सरकारों को भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने की जरूरत है, लोगों तक इसको पहुंचाने की जरूरत है। और ऑफ कोर्स वैक्सीन जो है हमारी राय में कोई ये सारी चीज़ों का हल नहीं है, ये कोई पेडेसिया नहीं है। हाँ, इसका कुछ एक स्पेसिफिक रोल है कि खास तौर से जो वल्नरेबल लोग हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए इसका महत्व है। इससे एक्चुअली एपिडेमिक में अब इस समय बहुत ज़्यादा सेकेंड वेव में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इसका विस्तार किया जाएगा तो निश्चित रूप से काफी सारे लोगों को संरक्षण मिल सकता है, और एडवर्स इफेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की भी जरूरत है ताकि जिनको वैक्सीन की वजह से एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको ट्रीटमेंट भी मिले, कंपनसेशन भी मिले और उनकी हमें जानकारी भी। तो कुल मिलाकर के ये सिर्फ एक इमरजेंसी की बात नहीं, इमरजेंसी में तो कुछ मैंने मुझे बताया जो किए जा सकते हैं तुरंत किए जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस देश में स्वास्थ्य के ऊपर होने वाला जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है सरकार का, उसको अभी जितना है उसका लगभग कितना करने की जरूरत है, और इससे बड़े स्तर पे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना। एक तरफ बेरोजगार डॉक्टर्स हैं, बेरोजगार नर्सेज हैं, स्वास्थ्य में काम करने वाले स्किल्ड लोग हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में और अस्पताल में सफिशेंट स्टाफ में, ये जो विरोधाभास है इसको खत्म करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज करने का जो नीति है उनका प्रस्ताव है इसको तुरंत रद्द करना चाहिए, और ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी जो स्कीम्स है इनको भी इनका एक रिव्यू करना चाहिए, और ये लगभग फेल है ज्यादातर जगहों में देश के, तो इनके बजाय हमको एक्चुअली पब्लिक हेल्थ सेवाओं का ही विस्तार करने में और प्राइवेट सेक्टर के वो सोशलाइज तरीके से एक पब्लिक सिस्टम के अंतर्गत लाने की तरफ बढ़ना चाहिए, और पूरे प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर का रेगुलेशन जो पिछले 10 साल से अटका हुआ एजेंडा है इसमें बहुत ही प्रभावी तरीके से इनको उनका नियंत्रण करने की जरूरत है,
कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन करने की जरूरत। तो ये जो क्राइसिस है जो कोविड पैंडेमिक से तैयार हुआ है हिंदुस्तान, ये दरअसल हमारे देश में जिनको नव उदारवादी या हम कह सकते हैं मुक्त बाजार की जो नीतियां अपनाई गई, ये सरकार की कोई खास जिम्मेदारी नहीं, सब छोड़ दो बाजार के ऊपर, सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दो। प्राइवेट सेक्टर का मतलब कॉर्पोरेट्स को फलने फूलने दो, कॉर्पोरेट अस्पताल कर देंगे लोगों का इंतजाम। हाँ, आज हम देख रहे हैं कि उसका कितना भयंकर इस मॉडल का दुष्परिणाम हुआ, और उसके साथ में हाइपर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जिसको कुछ लोगों ने नियोफासिज्म बोला है, उसका भी हमें परिणाम दिखाई पड़ा। तो आज हमें अलग अलग स्तरों पर लोगों को तक मदद भी पहुँचानी है, लोगों की मदद हम सभी लोग कर ही रहे हैं, आप सब लोग इसमें दिन रात लगे होंगे, तो मैं इसके बारे में दोबारा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये तो हम सब चाहते हैं। लेकिन हमें कम से कम तीन फ्रंट्स पे अभी निकट भविष्य में आंदोलनों के बारे में प्लान करना शुरू करना चाहिए। एक तो है कि इस देश में और सभी राज्यों में स्वास्थ्य सेवा का अधिकार एक बुनियादी अधिकार के तौर पर लागू होना चाहिए। कोविड का पूरा अनुभव जो कि सबको एक बिल्कुल झकझोर देने वाला अनुभव रहा है, इससे हमें अगर कुछ सीख लेनी है तो ये कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, जिसका पूरी तरह से जिसकी जान निकल चुकी है, जिसकी ताकत बहुत कम है, इस प्रकार की हमारी एनीमिक और बीमार जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इससे हम 21वीं सदी में एक समाज के तौर पे हम जिंदा नहीं रह सकते। इसके लिए हमें बड़े स्तर पे पब्लिक हेल्थ बजट बनाना होगा, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन और सोशल अकाउंटेबिलिटी जिसमें जन निगरानी और विकेंद्रित तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का नियोजन और उसके ऊपर लोगों की देखरेख और निगरानी इसके तरीके विकसित करने होंगे, और जिसको हम सोशलाइज हेल्थ केयर कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों को भी बड़े स्तर पे उनकी बड़ी मात्रा में जो उनके बिस्तर हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं उनको एक पब्लिक सिस्टम के अंतर्गत ला करके रेगुलेट करना चाहिए, जो लोगों को फ्री केयर देंगे। तो लोगों को सारी की सारी स्वास्थ्य सेवा, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो चाहे वो निजी अस्पताल में हो, वो मुफ्त में मिलेगी। इस प्रकार की यूनिवर्सल हेल्थ केयर की व्यवस्था है दुनिया के और बहुत सारे देशों में है, थाईलैंड में है, श्रीलंका में है, और भी जगहों पे है। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में लागू करना ये हमारी एक सर्वोच्च मांग होनी चाहिए। इसके अलावा जिसको हमने कोरोना रिकवरी प्लान कहा है महाराष्ट्र में, इसके ऊपर हमने चर्चा शुरू की है कि कोविड एपिडेमिक के दौरान समाज के जितने मेहनतकश सामान्य लोग हैं, उनके तबके हैं, उनको उनकी तबाही हुई है, उनको भयंकर नुकसान पहुँचा है, पूरे समाज को इसमें से बाहर लाने की जरूरत है। और सब पूरे समाज को बाहर लाने के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, अन्य सुरक्षा, ये सब को इनको फिर से सक्रिय करने की जरूरत है। इसके साथ में खेती किसान, जो तो आपको पता ही है आज किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है, तो कितनी जरूरत है खेती को भी इस पूरी परिस्थिति में फिर से पुनर्जीवित करने के लिए। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी और आजीविका का एक आधार देना उनको, और बड़े स्तर पे नवयुवक और छात्र जो है इनको ध्यान में रखते हुए एक पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक रोजगार तैयार करना, इन सब चीजों के लिए कोरोना रिकवरी प्लान हर राज्य में हमको मांग उठानी चाहिए। और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, सबसे पहला सवाल हमसे जो पूछा गया, और जहाँ हमारा साफ मानना है कि जो सुपर रिच, जो सबसे धनाढ्य जो कॉरपोरेट्स हमारे देश में, जिन्होंने इस पैंडेमिक के दौरान बहुत बड़े स्तर पर नफा कमाया है, इनके ऊपर टैक्सेशन बढ़ना चाहिए। ये जो है एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का समय। इस आपत्ति से अगर हमको कुछ सीखना है तो ये कि समाज के अंदर जो संसाधन है आज एक बहुत छोटे तबके के हाथ में वो केंद्रित हो चुके हैं। जैसे राजनीतिक सत्ता बहुत थोड़े से लोगों के हाथ में केंद्रित है, वैसे आर्थिक जो सत्ता है वो कुछ बिलियनर्स के हाथ में केंद्रित हो गई है, दोनों चीजें जिससे गिनती है। तो आप जानते होंगे कि जो भारत के बिलियनर्स हैं इनकी जो पूंजी है, इनका जो धन है, ये लॉकडाउन के दरमियान जब लोग भूखे मर रहे थे, जब तमाम जो प्रवासी मजदूर थे वो सड़कों पे सैकड़ों किलोमीटर चल रहे थे, इनका धन 30% से बढ़ा। और जो टॉप 100 जो बिलियनर्स हैं हमारे देश के, मार्च 20 से अभी तक उनका जो धन है 13 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा है। तो ये उनको ज्यादा जो उनका धन बढ़ा है। और यदि इसको सिर्फ हम 14 करोड़ जो सबसे गरीब लोग हैं इनके बीच में बांटे तो हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए का चेक मिल सकता है करीब करीब।
तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ा कितनी बड़ी निधि हमारे देश में है मौजूद। अंबानी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के काफी अच्छे दोस्त हैं ऐसा समझ में आता है, और इसीलिए एक दूसरे को उनका फायदा होता है, तो ये हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमा रहे पैंडेमिक के दौरान। और सिर्फ जो टॉप जो 11 बिलियनर्स है, अगर हम इनको भी लें और इनका जो इनका धन का इस्तेमाल करें तो पूरे देश भर का एनआरजीएस की या पूरे देश भर के स्वास्थ्य मंत्रालय का काम अगले 10 साल तक इससे हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कम से कम जो सबसे जो धनाढ्य 100 जो कॉरपोरेट बिलियनर्स हैं इनके ऊपर सरकार को टैक्स बढ़ाना चाहिए इसके माध्यम से, और क्योंकि उन्होंने इस देश की जनता की मेहनत के आधार पे वो अपनी कमाई की है, तो उसको वापस करने का भी समय आया है और ये रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और तीसरा और आखिरी मुद्दा है कि जो सबसे सर्वोच्च स्तर पे जो क्रिमिनल मिसगवर्नेंस के लिए जिम्मेदार है, जैसा मैंने आपके सामने रखा कि जनवरी 2020 से लेकर अभी तक इन्होंने एक के बाद एक या तो गलत निर्णय लिए या जानबूझ के ऐसे निर्णय लिए जिससे कि लोगों का भयंकर नुकसान हुआ है और ये सेकेंड वेव का हमको सामना करना पड़ रहा है, करोड़ों करोड़ों लोग इससे ग्रस्त हैं। तो इनकी आज सत्ता में रहने की कोई भी इनका औचित्य नहीं रह गया है। इनका ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जैसे लोगों को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं या जनता के लिए किसी भी रूप में हम काम कर रहे हैं, और हमें इसको राजनीतिक तौर पे इनको सही में एक सबक सिखाना चाहिए। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, और जिन्होंने लोगों की जान और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति इतनी बड़ी एक क्रिमिनल नेग्लेक्ट दिखाई है, उन्हें जरूर जनता की अदालत में कम से कम सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं मिले। और अभी आने वाले सोमवार को हम जनस्वास्थ्य अभियान की तरफ से एक नेशनल डे ऑफ एक्शन कर रहे हैं, इसमें आप सभी शामिल हो सकते हैं, इसके मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, इसमें हम सारी जो मांगे हैं, जब यहाँ पे मेरे पास समय नहीं था मैंने डिटेल में नहीं रखा है, लेकिन जो ठोस मांगे हैं जिनके ऊपर अलग अलग सरकारों को काम करना चाहिए, जिसमें एपिडेमिक रोकने से लेके ऑक्सीजन बेड्स और हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध करने से लेके वैक्सीनेशन तक, इन सभी पहलुओं के ऊपर जनता की तरफ से क्या मांगे हैं, हमारा एक मांगों का एक पूरा घोषणा पत्र हम रिलीज करेंगे। और अभी निकट आने वाले समय में राइट टू हेल्थ केयर की कैंपेन के ऊपर भी हमें काम शुरू करना चाहिए। आप में से जिसको भी इस पर रुचि है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर हम पे देखें तो कोविड के पहले की स्थिति यह रही है कि हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था में दो प्रकार का लॉजिक चलता रहा। जो प्रॉफिट लॉजिक है वो अभी तक हावी है, जिसका मानना है कि स्वास्थ्य ये बाजारी वस्तु है जिसको खरीदा खरीद के बेच के मुनाफा कमाना, ये मुख्य पर्पस है किसी भी कॉरपोरेट अस्पताल का या निजी अस्पताल का। लेकिन उसके विरुद्ध एक छोटा पहलवान भी है उस बड़े पहलवान के खिलाफ, जिसका मानना है कि स्वास्थ्य ये बुनियादी अधिकार है। तो अभी हमें जो बदलाव कर लाना है अपने देश में स्वास्थ्य व्यवस्था में वो बहुत ही सिंपल है, इसको हमें उल्टा करना है। जो सोशल लॉजिक है वो प्रधान होना चाहिए, वो हावी होना चाहिए, वो सर्वव्यापी होना चाहिए, उसके आधार पे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चलनी चाहिए। और जो प्रॉफिट का लॉजिक है उसको वो गौण होना चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। सिर्फ इतना बदलाव ही हमको करना है। अगर हम ये करते हैं तो जिस तरह की परिस्थिति आज हम झेल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति दोबारा कभी हमें या हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी झेलने नहीं पड़ेगी। हमें अब पुराने जो व्यवस्था थी इसकी वजह से इतना सब ये सारा कुछ हुआ है उसमें वापस नहीं जाना है, हमें नए व्यवस्था की तरफ बढ़ना है। और अरुंधति रॉय के एक उद्देश्य के साथ मैं खत्म करूंगा, जिसने बोला कि द पैंडेमिक इज अ पोर्टल, पैंडेमिक जो है ये हमारे लिए एक दरवाजा है, हमारे लिए आगे जाने का एक रास्ता है, इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। और जो पुराने जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो पुराने हमारे विचार हैं कि निजीकरण कर दो सब ठीक हो जाएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ने दो सब ठीक हो जाएगा, कॉर्पोरेट अस्पताल जो है वो सारे समस्याओं का हल कर देंगे, ये सारे जो मॉडल्स थे ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। और सरकारी अस्पतालों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारे दिमाग में अगर कुछ इस तरह की समझ थी तो आज मुझे लगता है हमको उसमें से अभी बाहर आ जाना चाहिए और सरकारों को भी बाहर आने के लिए मजबूर करना चाहिए और एक नई दुनिया की तरफ और एक नए प्रकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभय जी। और
बिल्कुल अक्षरशः सत्य बोला आपने सब बातें, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने रेमडेसिविर वाली बात यहाँ पे उठाई है, इसी तरह इवरमेक्टिन भी जो यहाँ पे दी जा रही है, कि कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं है बहुत सी चीजों का, एंड व्हाट वी आर सीइंग इज दैट पॉलिटिक्स इज ओवरराइडिंग साइंस दीज डेज, और रेमडेसिविर सरकारी अस्पतालों में भी दी जा रही है अभिजीत, इट्स नॉट ओनली इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स बट सरकारी अस्पताल में भी उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस है। तो अब हम लोग, किसी के और प्रश्न हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो जो प्रश्न अब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पर ये बताइए अभय जी, और आप एक डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, तो आपके मुंह से वो बात आएगी तो शायद हमें ज्यादा असर करेगी, कि घर के मुखिया ने तो छोड़ दिया हमको, परिवार के सदस्य क्या करें, क्या परिवार के सदस्यों क्या क्या कर्तव्य होता है, एज कॉमन सिटीजन व्हाट कैन वी डू एटलीस्ट टू ओवरकम दिस क्राइसिस द प्रेजेंट पैंडेमिक, कि हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, ताकि प्रोटेक्शन की बात करें, अस्पताल जाने की नौबत ना आए, उसके लिए आप कोई संदेश देंगे, हम लोग जितने लोग सुन रहे हैं शायद वो संदेश और जनता तक पहुंचाएं, और जैसे आप साइंटिफिक एविडेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ऐसा होता है कि गंगा में डुबकी लगा लोगे तो कोरोना से कोई तो कोरोना हमें असर नहीं करेगा, और शायद बहुत से लोगों की ये सोच है, बहुत से पढ़े लिखे लोगों की ये सोच है कि गंगा में डुबकी लगा के तो सभी कुछ ठीक हो जाता है, सभी कुछ स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तो ये जो अनसाइंटिफिक सोच है उसके अगेंस्ट और प्रेजेंट क्राइसिस में एक इंडिविजुअल को हमें एक अपने स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, ये आप थोड़ा बताएं प्लीज। असल में शोभा जी क्या है कि इस पैंडेमिक ने हमको ये दिखाया है कि हेल्थ सिर्फ इंडिविजुअल एक चीज नहीं है, इट्स अ डीपली सोशल प्रोसेस टू आइदर प्रोटेक्ट हेल्थ और टू डिस्ट्रॉय हेल्थ, दोनों ही सोशल लेवल पे एक्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हम सामूहिक तरीके से क्या कर सकते हैं, यदि ये आप सवाल पूछे तो वो ज्यादा सरकार के अलावा, या सरकार के अलावा हमें सामूहिक तरीके से, या कम से कम जितनी हमारी क्षमता है, जितने हमारे अलग अलग प्रकार के समूह है, चाहे किसी मोहल्ले में हो, किसी गांव में हो, या सामाजिक किसी संस्था संगठन के माध्यम से हो, तो मुझे लगता है कि हमको, मैं आपको उदाहरण दूंगा, हमने महाराष्ट्र में जो तीन चार प्रकार की चीजें की, एक तो यह है कि लोगों तक एक वैज्ञानिक और जो सोशली रेलेवेंट है, मैं उसको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वैज्ञानिक नहीं है, वो रैशनल है और सोशली रेलेवेंट है, इस प्रकार की जानकारी सादी भाषा में अलग अलग माध्यमों से लोगों तक बड़े स्तर पे पहुंचाएं। इसमें आप छोटे छोटे व्हाट्सएप मैसेज बना सकते हैं, छोटे वीडियोस बना सकते हैं, आपके बीच में थोड़े जो भी ऐसे एक्सपर्ट नहीं लेकिन जो थोड़े जानकार लोग हैं उनके, जो हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना के सर्कुलेट किए, तो लोगों तक क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, किस चीज के पीछे आप ना भागे, किस चीज के लिए आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। और इसमें मैं दो तीन चीजों पे ज्यादा जोर दूंगा, एक है होम आइसोलेशन। होम आप जानते होंगे कि करीब करीब 85% पेशेंट्स आज होम आइसोलेशन। कोविड जो है ये जानलेवा बीमारी सबके लिए नहीं है, कोविड से बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए कि मुझे कोविड है मतलब मुझे अस्पताल। आपको कोविड है, आप खुद की और दूसरों की मदद से आप अपना मॉनिटरिंग करिए, और आप अगर काफी ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से ऊपर है, आपको बाकी कोई विशेष सिम्टम्स नहीं है, तो आप घर में ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग घर में ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन उसमें से एक 5% 10% ऐसे हैं जिनको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ती है, उनको जब जरूरत पड़ती है तो जरूर उनको जाना चाहिए। और जब आप घर में है तो आपको अपने घर के बाकी लोगों के साथ में जो सारी चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सेपरेशन फॉर द टाइम बीइंग 14 दिन तक, वो करना बहुत जरूरी है। तो इंट्रा हाउसहोल्ड ट्रांसमिशन कम हो सकता है। आज बहुत सारा ट्रांसमिशन ये सेकेंड वेव में ये घरों के अंदर भी हो रहा है, एक व्यक्ति पॉजिटिव हुआ तो सारे लोग पॉजिटिव, तो ये अगर रोकना है तो मुझे लगता है होम आइसोलेशन के तरीके और होम आइसोलेशन की जो ये है कुछ बातें हमको जरूर लोगों तक पहुँचानी चाहिए। और दूसरा है कि इरेशनल केयर, एक्सप्लॉयटेटिव केयर, इससे आप बच के रहें। रेमडेसिविर ये रामबाण नहीं है, रेमडेसिविर ये इलाज भी नहीं है एक्चुअली, ढंग से देखा जाए ये सिर्फ एक कुछ लिमिटेड चीजों के लिए एक उसका उपयोग है,
जी अगर कोविड हुआ तो मैं रेमडेसिविर मांगने नहीं एज ए डॉक्टर, और अगर अगर मुझे डॉक्टर ने बोला भी तो मैं उससे पूछूंगा कि भैया इसके पहले 10 दिन के बाद अगर रेमडेसिविर कोई बोल रहा है इलॉजिकल, घर में है पेशेंट अगर है हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है रेमडेसिविर इलॉजिकल एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो ये सिंपल जानकारी भी लोगों तक पहुँचानी चाहिए और प्राइवेट डॉक्टरों के साथ भी थोड़ा संवाद करना चाहिए कि भैया आप ठीक है लूटते रहे बहुत सब आप तो दशकों से लूट ही रहे हो, अभी भैया थोड़ा सा जो है आप जो है जनता के लिए काम करो, ये आपत्ति का समय है, ये लूटपाट का थोड़ा धंधा आप जो है थोड़ा आप सीमा के अंदर रखो। मुझे लगता है उनके साथ भी हमको सामाजिक तौर पर संवाद करना चाहिए। और तीसरा है कि मुझे लगता है कि लोगों के साथ में हम अपने स्थानिक स्तर पर अपने गाँव में अपने मोहल्ले में अपने ब्लॉक में हम वहाँ के अधिकारियों से जाकर सामूहिक तौर पर मिलें और उनसे बातचीत करें कि देखिए इस स्थिति में आपको हम आपको आपकी जरूरत है आपको भी हमारी जरूरत है, तो यहाँ क्या क्या चल रहा है, होम आइसोलेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन सेंटर्स हैं क्या वो ठीक ठाक चल रहे हैं क्या, एम्बुलेंसेज की क्या स्थिति है, बाकी जो बेसिक चीज़ है उनके बारे में क्या एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर हम बना सकते हैं। महाराष्ट्र में कई जगह लोगों की पहल से भी ऐसे बने जिसमें हमने पंचायत प्रतिनिधियों को भी इन्वॉल्व किया, सारे बाकी भी जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जो थोड़े से इन्फ्लुएंसर रहते हैं या कोई जर्नलिस्ट हो या लॉयर हो या इस तरह के टीचर्स हो, तो उनके माध्यम से हम जैसे जॉइंट कमिटीज अगर बनाए तो लोगों को समय पे जो भी सुविधाएं मिली है उसमें भी उसकी काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। मुझे 3-4 चीज़ें लगती हैं जो कि कहीं पर भी हम कर सकते हैं लेकिन सामूहिक तरीके से इसका प्रयास करें। तो सही मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है जैसा आपका कहना है और इसीलिए आपने जो सामूहिक रूप की बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन समूह भी बनता है इंडिविजुअल से, तो वो जो कहा जाता है ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मुझे ये लगता है कि हम समूह समूह में जाने के जो समूह का हर सदस्य है वो भी उनका पालन करे। वैक्सीन को भी लेके कई गलत मैसेजिंग है कि वैक्सीन लग गई है तो अब तो हम फ्री हो गए अब हमको कोविड होना ही नहीं है, और बिल्कुल ये कोई वैक्सीन ये दवाई नहीं करती कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ सीवियर इन्फेक्शन रोकेगा। तो इस तरह भी मैंने कई लोगों को सुना कि अरे मैंने तो दोनों डोज लगवा लिए वैक्सीन की अब मुझे तो कुछ नहीं होना, एंड परहैप्स दे कीप ऑन स्प्रेडिंग। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कि वो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड हो, एंड ऑल्सो यू वर टॉकिंग ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर इन इंडिया, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कुछ मोहल्लों कुछ जगह पे लखनऊ में भी कोई कोविड कहीं पे पेशेंट है तो उसके घर के आगे उन्होंने चिपका दिया जाके कि यहाँ कोविड पेशेंट है, या बांस बल्लियों से वो पूरा रास्ता घेर लिया, तो सड़क पे आपने बांस बल्ली लगा दी तो उससे तो ट्रांसमिशन नहीं, वहाँ पे तो ट्रांसमिशन होना ही नहीं है कोई अगर शख्स कोई घर के अंदर है। हाँ डॉक्टर हम कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में एक दो सवाल है। हाँ जी जी मस्करेनस के का सवाल है कि इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर वैक्सीन इन पब्लिक सेक्टर, इज देयर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव टू पे फॉर कोविड वैक्सीन, इज इट पॉसिबल? नो वो ना सवाल है बॉक्स। हां तो इसमें पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जरूर पब्लिक सेक्टर में एक्चुअली वैक्सीन बनने चाहिए। क्या होता है ना जब आग लगे ना तब आप कुआं खोदने जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, मतलब दैट इज नॉट द राइट टाइम टू यू नो डू दीज थिंग्स। वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित करने में सालों लगते हैं किसी प्लांट पर या किसी एक इंस्टीट्यूशन पर और उसकी कई सारी चीज़ें, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में निजीकरण, अगर आप मुझसे पूछेंगे कोविड का सबसे बड़ा कारण क्या है जो आज लोगों को तकलीफ हो रही है वो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। वायरस इज नॉट द ओनली कॉज, प्राइवेटाइजेशन इज ऑल्सो। What causes death in COVID? Privatization, along with the coronavirus. So, ये जो privatization vaccine production का भी था। और जो public sector, हाँ। हम कुछ पूछ मैं कुछ पूछना चाहता है वेस्ट बंगाल से। मैं ये complete कर लूँ क्या जो जवाब? अच्छा 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 ओके 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 complete। अभी एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो privatization of public vaccine companies और shutting them down, उनका privatization है उसको बंदी कर दिया। जिसकी वजह से वैक्सीन प्रोडक्शन पूरा प्राइवेटाइज हो गया। तो ये 1990s वगैरह में जो कुछ गलत किस्म के निर्णय किए गए इसकी वजह से आज हम इस स्थिति में हैं। आपको पता है IDPL हो HAL हो या बाकी भी जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज थे उनको किस तरीके से ये किया गया।
डाउनग्रेड किया गया, तो अभी तुरंत तो वो मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है, जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि इज इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू यूज एपिडेमिक एक्ट टू टेक ओवर, तो टेक ओवर के बजाय इनको रिक्विजिशन किया जा सकता है। और नीचे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनको भी कुछ तो इनपुट्स लगते हैं ना, मतलब दे हैव सम एक्सपेंसेस इन प्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन, बट मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर इन डेवलपिंग द वैक्सीन। ये ध्यान रखिए, वैक्सीन के प्रोडक्शन में कम पैसा लगता है, उसके डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा लगता है। और भारत बायोटेक का पूरा प्रोडक्शन ये आईसीएमआर की मदद से हुआ वैक्सीन का, तो इट्स एक्चुअली पार्टली अ पब्लिकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन। वी शुड रेज दिस पॉइंट, भारत बायोटेक इज अ पब्लिकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन, एंड कोविशील्ड का टेक्नोलॉजी ये सीरम इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाया, ये एस्ट्राजेनेका ने बनाया। और उनको भी जो है उसमें भी पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो उनको भी सीरम इंस्टीट्यूट डज नॉट हैव टू गिव एनी रॉयल्टी फॉर कोविशील्ड। सो भारत बायोटेक इज पब्लिक सेक्टर आईसीएमआर इन्वॉल्वमेंट, एंड कोविशील्ड इज डज नॉट हैव टू गिव दैट। सो इनका प्रोडक्शन कॉस्ट एक्चुअली कम है, ये इनको सरकार जो है रिक्विजिशन कर सकती है कि आपको अगले 6 महीने तक इतनी मात्रा में वैक्सीन प्रोड्यूस करने, उसके लिए आपको इतना पैसा मिलेगा, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपए है, और 100 रुपए के अलावा आपको 25 रुपए और मिलेंगे पर वैक्सीन डोज, और आप बनाइए। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड मेक इट अवेलेबल टू ऑल स्टेट्स ऑन अ कंप्लीटली फेयर इक्विटेबल एंड नीड बेस्ड काइंड ऑफ क्रेडिट। And in most other countries in the world, people do get vaccines. Vaccination, especially in this kind of epidemic, must be free. There's no reason why people should pay for that. Abhi, ek aur sawal aa raha tha, Rohit Sarkar, Bengal se. हाँ, Bengal से कोई पूछना चाह रहा है. हाँ, Bengal से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ डॉक्टर. हेलो हेलो हेलो. हाँ, मेरा हमारा एक बहन है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है, उसका कोविड पॉजिटिव है, उसका जो पल्स रेट वो लगातार फॉल कर रहा है, अभी ऑक्सीजन लेवल भी 74% है, अभी इलाज चल रहा है, तो हम लोग बहुत चिंतित है, ये क्या मरीज ठीक हो सकता है? अभी यहाँ तो शायद मैं ऐसे इस फोरम पे मेडिकल एडवाइस तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पेशेंट की एज क्या है, बाकी कंडीशन क्या है, अभी कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, कितने दिन से अस्पताल में है, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो निश्चित रूप से उनका इलाज तो हो सकता है, होना चाहिए, विशेष करके सीटी स्कैन में क्या पिक्चर है, लंग इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये सब डी डाइमर और बाकी रिपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है, तो ये सारी चीज़ें मिला करके उसका एक क्लिनिकल असेसमेंट करना होता है। तो मुझे लगता है कि आप जहाँ भी हैं वहाँ पे किसी एक जानकार किसी डॉक्टर से और सलाह लें इसके बारे में, और वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप कलकत्ता में हैं तो मैं एक आध कलकत्ता के जो डॉक्टर वहाँ जो ग्रुप से उनका वो सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको उसके सारे डिटेल्स में जाकर के उसके बारे में कोई ठीक से सलाह दे पाएंगे। मेरे ख्याल से ये फोरम शायद मेडिकल सलाह देने के लिए उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करिए, उनका पूरा इलाज कराइए। कोविड में जितने लोगों को कोविड होता है उसमें से लगभग 99% लोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए ये चिंता की बात नहीं है, लेकिन जरूर उनका इलाज पूरे सही ढंग से होना चाहिए। और किसी को कुछ पूछना है अगर उन जो प्रेजेंटेशन था डॉक्टर अभय शुक्ला का उसके संदर्भ में? ओके, थैंक यू डॉक्टर, उन्होंने जो बातें करी है उसके संदर्भ में अगर कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये कोविड कोई फंगस है क्या, है ये जानकारी चाहिए? मुझे लगता है आप अपने ग्रुप में भी चर्चा करके इन सवालों का हल ले सकते हैं, ये शोभा जी भी आपको बता सकती है और भी साथी होंगे। संक्षेप में ये एक वायरस है, अभी ये एक अलग सवाल है कि ये वायरस कहाँ से आया, वो अपने आप में बड़ा रोचक विषय है, इसके ऊपर मेरा अलग एक प्रेजेंटेशन भी है, तो और वो शायद कभी और इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसे वायरसेस पिछले 10-15 साल में सार्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एबोला और अभी कोविड, ये एक के बाद एक क्यों निकल रहे हैं? इसके पहले आपको इतने वायरसेस के नाम नहीं सुनने में आया होगा, अफकोर्स काफ़ी पहले अलग बीमारियां हुआ करती थी, लेकिन पिछले 15-20 सालों के दौरान एक के बाद एक ऐसे ग्लोबल कम्युनिकेबल डिजीजेस निकल रहे हैं,
और नई बीमारियां सामने आ रही है, इसके ऊपर कुछ खास कारण है। ये हमने अपने जो पूरे जो जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है, डिफॉरेस्टेशन करके, जंगल काट के, वहाँ के जो वन्य प्राणी थे उनके उनको डिस्टर्ब करके, उनके अंदर जो पलने वाले जो कुछ वायरसेस जो उनको कुछ नुकसान नहीं करते थे, जब वो जब वो मनुष्यों में जब जंप करते हैं तब उनमें से नई नई बीमारियां पैदा हो रही है। तो इसके पीछे पूरा इको डिस्ट्रक्टिव जो हमारा मॉडल है विकास का, वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है कोविड के लिए। और चीन में भी जहाँ से ये शुरुआत हुई वहां से भी काफी हद तक इस बात का एविडेंस है कि चमगादड़ों के अंदर इससे मिलता जुलता एक वायरस पाया जाता है, लेकिन वो बेचारे जंगल में रहते हैं और उनको उस वायरस से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब हम जंगल काटेंगे और फिर वो जो चमगादड़ है उनमें से किसी और प्राणी को वो वायरसेस ट्रांसमिट हुए, और फिर वो प्राणी जब शहर में लाए गए वुहान में, हाँ, तो वहां पे फिर शायद लोगों को उससे इन्फेक्शन हुआ। ये मतलब आपकी बात को थोड़ा सा, ये कोरोना वायरस है एक विशेष प्रकार का वायरस है जो कि इसके और भी प्रजातियां हैं, और पहले की भी जो कुछ बीमारियां हुई है वो भी कोरोना वायरस की वजह से। धन्यवाद डॉक्टर साहब। संदीप जी आप कुछ कहना चाहेंगे, और डॉक्टर अभय शुक्ला ने जो बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन और बहुत जबरदस्त जानकारी दी हम लोगों को, आप इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे संदीप जी? संदीप शायद अभी उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, और क्या संदीप भाई अपने को मैं ये पूछना चाहता कि जो सैनिटाइजर आजकल मार्केट में जो बिक रहे हैं इससे किस हद तक हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए ऐसा है कि जब एपिडेमिक शुरू हुआ था उस समय सैनिटाइजेशन पे बहुत ज्यादा जोर था, और ऐसा माना जा रहा था कि ये जो वायरस है ये बाहर जाके गिरता है कहीं के भी, मतलब थूक से या खांसी के साथ बाहर निकलता है, गिरता है और वहाँ पे काफी समय तक जिंदा रहता है, और फिर वहां से दूसरे किसी व्यक्ति को और वो उसका संक्रमण हो सकता है। लेकिन बाद के जो भी रिसर्च है उससे बात सामने आई है कि एक्चुअली ये वायरस के ट्रांसमिशन का मुख्य कोई मार्ग नहीं है। मुख्य जो मार्ग है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, यानी कि एक व्यक्ति को कोविड है उससे दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है या कर रही है, और बोलते समय, खांसते समय, छींकते समय वो वायरस बाहर निकलता है, हवा में आता है और दूसरे व्यक्ति के श्वसन तंत्र में चला जाता है, नाक में या गले में चला जाता है और उस तरह से इन्फेक्शन करता है। तो एक तो वायरस सैनिटाइजर के बारे में जनरल सैनिटाइजेशन करने की जरूरत नहीं कि आप अपना पूरा घर जो है उसको स्प्रे कर रहे हैं और ये सब, ये इसका कोई खास औचित्य नहीं है। हाँ, जब आप बाहर से आते हैं तो आपका हाथ इधर उधर लगता है, तो उस समय कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है जिसमें लगभग 70% अल्कोहल रहता है, ऐसे बहुत सारे सैनिटाइजर्स हैं जिनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ अच्छी तरह से साबुन से अपना हाथ धो लीजिए 30 सेकंड तक, वो भी पर्याप्त है, जरूरी नहीं कि आपको सैनिटाइजर ही इस्तेमाल करना। एक्चुअली सैनिटाइजर तब के लिए है जब आप घर के बाहर हैं, जब आपके पास पानी और साबुन नहीं है। यदि आप अपने घर में वापस आते हैं तो आप साबुन से अपने हाथ ठीक से धो लीजिए, ये भी पर्याप्त है ना आपकी सुरक्षा। जी ठीक है सर, मैं ऐसे ही करता हूं। तो शोभा जी अभी क्या हम लोग वाइंड अप? मुझे कुछ खास नहीं कहना है, अभय जी का जो प्रस्तुतिकरण था बहुत ही शानदार था, और इसमें खास करके जब इन्होंने आखिरी में ये भी बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभय भाई, हम लोग भी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से ये मांग उठाए हुए हैं कि शिक्षा सेवा का और स्वास्थ्य सेवा का, ये दोनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो बल्कि आपको बता दें, आपको मालूम भी होगा शायद कि उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट के जजमेंट हैं। एक जजमेंट ये कहता है कि जो सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उनके बच्चों को सरकारी अस्पतालों में पढ़ना चाहिए अनिवार्य रूप से,
और वही जज सुधीर अग्रवाल ने 2015 में शिक्षा वाला जजमेंट दिया था और 2018 में स्वास्थ्य वाला जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी जिसमें यह भी कहा था कि जो सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उनको अपने और अपने परिवार वालों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराना चाहिए। अच्छा। लेकिन उसमें से सरकार ने सिर्फ वो वाला हिस्सा लिया जजमेंट का कि एम्बुलेंस को कहीं ट्रैफिक में रुकना ना पड़े, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, लेकिन बाकी सब उन्होंने छोड़ दिया। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल के जो दोनों फैसले हैं 15 और 18 वाले उत्तर प्रदेश के लिए, उनको लागू किया जाए। बल्कि मैं आपको बता दूं कि शिक्षा वाले को लेके तो मैं अखिलेश के समय में भी और योगी आदित्यनाथ के समय में भी अनशन पे बैठा उसको लागू कराने के लिए, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने उसको लागू करने से मना कर दिया। तो इसको लेके हम लोग यहाँ अभियान चला रहे हैं कि ये सुधीर अग्रवाल साहब के फैसले जो है वो लागू होने चाहिए, क्योंकि जब बड़े अधिकारियों, नेताओं, जजों के बच्चे और वो खुद इन सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तभी इनकी गुणवत्ता मजबूत होगी, और नहीं तो फिर जिस तरह से आप देख रहे हैं और आपने कहा भी कि निजी क्षेत्र को जो बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसका हश्र यही होगा कि आधार पूना वाला 3,000 करोड़ रुपया लेके देश छोड़ के चले गए, उनकी कोई जवाबदेही है नहीं। अब देखिए पता नहीं कब लौट के आएंगे, और वैक्सीन वगैरह तो जो वो बना रहे हैं लेकिन मनमानी कीमत तय कर रहे हैं वो, तो ये सब बंद होना चाहिए। यहाँ मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा संदीप जी की जो राष्ट्रीयकरण है ना, राष्ट्रीय हम लोग उसको सोशलाइजेशन ऑफ हेल्थ कहते हैं। जी जी। क्योंकि आज की तारीख में सरकारों के हाथ में सब कुछ दे देना यही पूरा हाल है, ऐसा मानना थोड़ा सा और नॉट ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल्स इवन पब्लिक हॉस्पिटल्स, हम ऐसा मान के ना चले कि सरकारी अस्पतालों में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और अरे वहां पे भी इतना भ्रष्टाचार, इतनी मनमानी, अलग अलग प्रकार के लोगों के प्रति उपेक्षा, बहुत सारी चीजें होती है और मिसमैनेजमेंट इन जनरल, दे आल्सो हैव टू बी मेड मच मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पांसिबल, एंड ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर हैज टू बी ब्रॉट इन सेक्टर कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द स्टेट। सरकार के रोल के बिना तो वो होगा ही नहीं, सरकार का रोल जरूरी है लेकिन सफिशियंट नहीं, उसमें जनता का भी, सामाजिक संगठनों का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहना चाहिए उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए, और ये लोगों के सही जो हित है उसे उस तरीके से काम करें उसके लिए उनको ऊपर एक लगातार एक प्रकार का दबाव और एक हमारे मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जनता के है ना, जनता का सीधे भी उसके ऊपर एक हस्तक्षेप होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हमने सरकार को दे दिया अभी जो सरकार के साथ करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि आप थोड़ा इसके ऊपर सोचे। सोशलाइजेशन नहीं, इसमें मैं ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बल्कि मैं बॉबी से ये भी कह रहा था कि हम लोग उसमें जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि है तो वो भी प्राइवेट ही, तो वो शायद सरकार से बेहतर काम करते हैं, जैसे आपका वेल्लोर में जो मेडिकल कॉलेज है CMC। हाँ, तो जाहिर है कि इस तरह के संस्थानों में तो सरकारी दखल अंदाजी कम ही हो तो ज्यादा अच्छा है, तो चैरिटेबल किस्म के संस्थानों को उसमें से एक अलग उनको एक्चुअली सरकार से मदद मिलनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ऑफ कोर्स योग्य तरीके से, तो एक्चुअली सोशलाइजेशन इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड। नहीं नहीं ठीक, इस दिशा में थोड़ा सोच रहे हैं। जी जी आपकी बात सही, चर्चा कर सकते। हाँ हाँ, ये आपकी बात सही। शोभा जी बीच में मैं थोड़ी देर के लिए नहीं था, चैट बॉक्स में जिनके सवाल हैं वो सब पूछ लिए गए। हाँ, पूछ लिए हैं। एक सवाल है प्रवीण श्रीवास्तव का, डज द प्रेजेंट वैक्सीन नॉट इफेक्टिव फॉर द म्यूटेंट वेरिएंट्स? अभी तक जो एविडेंस है उसके हिसाब से कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों जो है ये अभी तक जो म्यूटेंट्स है उनके ऊपर भी प्रभावी है आज की तारीख पर, इसलिए अभी हम you should not jump to the conclusion that vaccine is not protecting against the mutant virus. कल को क्या होगा हम नहीं बोल सकते,
लेकिन उसके जो स्पाइक प्रोटीन्स है उससे की बेसिकली इम्यूनिटी बनती है। उसके ये उसमें ऐसा कोई रेडिकल चेंज नहीं हुआ है, उनके डीएनए में चेंज है। आपको पता है ना कि वायरस जो है उसके बाहर स्पाइक प्रोटीन होते हैं, अंदर डीएनए। जो स्पाइक प्रोटीन है वो अभी भी मोर ऑर लेस सेम जो म्यूटेड वायरसेस है। इसलिए जो वैक्सीन अभी हमारे देश में दोनों करते हैं, दे डू प्रोटेक्ट इवन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एज फार एज द इंफॉर्मेशन वी हैव एज अ। इसलिए वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाने से इसकी चाहिए नहीं, लेकिन इस भ्रम में मत रहिए कि सिर्फ वैक्सीन लगाने से ही सारी समस्या है। इसके अलावा अपने खुद का बचाव करना, अपने परिवार का, आसपास के लोगों का बचाव हर तरीके से करना, ये भी बहुत जरूरी है। और मतलब लेकिन वैक्सीन जो हेजिटेंसी है, और हमारे देश में कुछ ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने कहा कि अरे कोविड तो कुछ नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है, ये तो कुछ बाहर की कॉन्स्पिरेसी है। मैं कम से कम ऐसा नहीं मानता हूँ। 2 लाख लोग मरे हैं इस बीमारी से, गंभीर बीमारी है। लेकिन हाँ, उसके बारे में हमें वैज्ञानिक और बैलेंस करके एक रवैया रखना चाहिए, और कमर्शियल और जो कॉरपोरेट जो पूरा सेक्टर जिसको जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और द अल्टरनेटिव टू कॉरपोरेट साइंस इज नॉट टू बिकम एंटी साइंस बट रादर इट इज टू अपहोल्ड पीपल साइंस। थैंक यू डॉक्टर शुक्ला, थैंक यू वेरी मच। और आप जाने से पहले एक बार प्लीज, अगर आपको लगता है कि ये सही तरीका है तो मास्क के यूज पे जरूर आप इंसिस्ट कर दीजिए, हम लोग जितने लोग यहाँ हैं, कि वैक्सीन लगाने से ही केवल काम नहीं चलेगा, पर क्या मास्क लगाना जरूरी है? मास्क लगाना जरूरी है। अभी तो मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ और कोई नहीं है। अदरवाइज आप जब बात करें वो अलग बात है, पर हम और सही तरीके से मास्क लगाना जरूरी है। एक डॉक्टर से सुन के शायद हम लोग इस बात को ज्यादा सीखेंगे। नहीं जरूर, एक्चुअली मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जापानी लोग जो है ना कुछ मामलों में काफी समझदार होते हैं, तो उन्होंने कोविड एपिडेमिक के बहुत शुरुआती के दौर में ये समझ लिया था कि इसका ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा कहाँ पे हो, और वो 3C है। इसका इतना भारत में प्रचार नहीं हुआ, और सब रीजन क्लोज स्पेसेस, बंद जगह, क्राउडेड सिचुएशंस जहां भीड़ में, चाहे खुली जगह में भी हो लेकिन जहां भीड़ भाड़, एंड क्लोज कॉन्टेक्ट जहां लोग बिल्कुल एक दूसरे के, दो ही लोग हो लेकिन वो एक दूसरे के आसपास, क्लोज स्पेसेस, क्राउडेड सिचुएशंस एंड क्लोज कॉन्टेक्ट, इन तीनों को हर कीमत पे अवॉइड करें। ज्यादातर जो ट्रांसमिशन है वो इन तीनों में से किसी माध्यम से होता है, ज्यादातर, सब नहीं लेकिन ज्यादातर। तो ये एक जनरल सूचना, ये फॉर सम रीजन हमारे देश में इतना पब्लिसाइज नहीं हुआ, और इनडायरेक्टली हुआ है, लेकिन ये क्लियर तरीके जापानी लोगों ने शुरू से इसको ऑब्जर्व किया, और आप देख सकते हैं जापान में अभी स्थिति रिलेटिवली काफी बेहतर है। और मास्क जो है वो बेसिकली सभी को मास्क लगाना चाहिए, और सभी को मास्क लगाने से फायदा ये होता है कि अगर 100 लोग हैं उसमें से 99 लोगों को कोविड नहीं है लेकिन एक व्यक्ति को कोविड, उसने अगर मास्क लगा के रखा हुआ है तो उसकी सांस के माध्यम से बाकी 99 लोग संक्रमित नहीं। अगर मास्क नहीं पहना हुआ है तो उस एक व्यक्ति से बाकी 99 लोगों को कोविड हो सकता है। और कोविड प्री सिम्टोमेटिक होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, इंक्यूबेशन फेज में होता है, उस समय कोई भी सिम्टम ना होते हुए भी आपको कोविड हो सकता है और आप दूसरों को कोविड दे सकते हैं वायरसेस। इसलिए अगर हर समय बाहर जब भी है लोगों के संपर्क में जहाँ भी आते हैं पूरी तरह से अगर आप मास्क लगा के रखेंगे और सभी अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कोविड का प्रसार कम होगा, इसमें कोई शक नहीं। और यह तो अपने हाथ में है, इसको तो हम बड़े आसानी से कर सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत सही मैसेज दी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, हाँ